Hey everyone, I'm back and it's time to my second meal. तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने सेकंड मील में क्या लेता हूँ. सो मेरे पास यहाँ पे मैंने अनार रखा है, अमरूद है, पपीता है और एप्पल है. चार आइटम मैंने काट के रखे हुए हैं. प्लस यहाँ पे मैंने दही ले रखी है. आप चाहे तो योगर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन योगर्ट और दही में ज्यादा डिफरेंट नहीं है. वो सिर्फ हाइप की बात है कि योगर्ट अच्छा है, पर सेम टाइप का दही. सो आई प्रेफर दही. अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैं अपने सारे आइटम चीजें करके इसके अंदर दही में डाल दूंगा. राइट, लाइक अ स्मूदी काइंड ऑफ इसे बनाने वाला हूँ. ठीक है, लेकिन मुझे ग्राइंड नहीं करूंगा, मैं इसको दही के थ्रू मिक्स करके आराम से खाऊंगा धूप में बैठ के, क्योंकि ठंड का समय है तो माइट बी यू कैन फील कोल्ड. सो मैं इसको ठंडे धूप में खाऊंगा ताकि मुझे ठंड ना लगे, सबसे बड़ी बात. और राइट, और अब मैं इसको कर दूंगा मैश ताकि पूरा दही. अच्छा, इसमें लोग जो गलती करते हैं कुछ, वो ये करते हैं कि वो इसमें मतलब काला नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं या फिर शुगर डाल देते हैं. ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है. राइट, बिकॉज जैसे ही दही में, ये बिल्कुल देखिए, जैसे ही आप दही में शुगर डालेंगे या कुछ डालेंगे, देखिए ये तैयार हो गया. अब मैं थोड़ा और मैश करूंगा और ये खाने के लिए डिलीशियस. जैसे आप दही में नमक डालते हैं या मीठा डालते हैं तो दही की जो ताकत है, दही में क्या होता है, लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी में हेल्प करते हैं ताकि वो आपके डाइजेशन को अच्छा रखे. जैसे आप नमक या चीनी का यूज करते हैं, वो सारे लाइव बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होने के बदले बहुत हानिकारक दही बन जाती है. राइट, इतना हो सके दही को 4 या 5 बजे पहले ही कंज्यूम कर ले. लेट नाइट बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है दही, वो अपनी बॉडी के लिए सर्दियों में कोल्ड क्रिएट करेगा. राइट, अब मैं खाऊंगा धूप में बैठ के आराम से और ये वेरी हेल्दी, वेरी डिलीशियस, हाई जिसे कहते हैं ना, हाई न्यूट्रिशन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है मेरा ये. राइट, सो डू इट, बने रहिए, मैं दिखाऊंगा आपको उसके बाद कि मैं और क्या क्या खाता हूँ.